इस जगह बुरी तरह मात खा गए करण जौहर। करण जौहर का टैलेंट जिस जगह देखना चाहे वहां मिलेगा, चाहे डायरेक्शन हो या प्रोडक्शन, डांस हो या एंकरिंग, करण जौहर हर एक फील्ड में नाम कमा चुके हैं। उन्हें इंडस्ट्री में 20 वर्ष हुए हैं और उनके मोम का पुतला भी मैडम तुसाद म्यूजियम में बनने के लिए तैयार है। लेकिन एक जगह करण बुरी तरह से मात खा गए। जी हाँ, हर फील्ड में परफेक्ट माने जाने वाले करण जौहर भी कहीं फ्लॉप हो सकते हैं। आपने सोचा ना हो, लेकिन ऐसा हुआ है। यह बात हम नहीं, खुद करण जौहर कह रहे हैं। दरअसल करण जौहर हाल ही में मराठी फिल्म बकेट लिस्ट के ट्रेलर लॉन्च पर नजर आए। यह फिल्म माधुरी दीक्षित की पहली मराठी फिल्म होगी। ट्रेलर लॉन्च के दौरान करण ने बताया कि वे फिल्मों में एक्टिंग कभी अच्छे से नहीं कर पाए। करण ने बताया कि वे खुद को एक फ्लॉप अभिनेता मानते हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ा फ्लॉप एक्टर हूं। मेरी एक भी फिल्म नहीं चली। मैंने बॉम्बे वेलवेट और वेलकम टू न्यूयॉर्क में काम किया और दोनों नहीं चली। किसी को मुझे फिल्म में नहीं लेना चाहिए। अब करण के मुंह से उनकी ही बुराई सुनना अजीब तो लगेगा ही, लेकिन सही भी है। करण ने अपना जितना नाम बाकी जगह कमाया है, वे एक्टिंग में कभी नहीं कमा पाए। इसलिए शायद उन्हें फैंस भी ऑफ स्क्रीन देखना ज्यादा पसंद करते हैं। मराठी फिल्म बकेट लिस्ट एक महिला की कहानी है जो अपने घर और ऑफिस से लेकर सभी काम करती है। माधुरी इसमें लीड है और यह उनकी पहली मराठी फिल्म है। करण की फिल्म कलंक में भी माधुरी दीक्षित हैं। यह फिल्म भी जल्द शुरू होने वाली है।